सब्सक्राइब कीजिए पासी चैंप चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को लेटेस्ट मेडिकल टॉपिक सबसे पहले देखने के लिए। कंसेप्शन डे या फिर फर्टिलाइजेशन डे कब होता है, इसको कैसे पता करते हैं, ये इस वीडियो में हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो नमस्कार, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और बिना किसी देरी के आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, देखिए, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कंसेप्शन डे को लेकर, तो कंसेप्शन डे और फर्टिलाइजेशन डे दोनों ही सेम होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जिस दिन पुरुष का स्पर्म मतलब शुक्राणु महिला के अंडाणु के साथ मतलब कि महिला के अंडे से मिलता है और उसको अंकुरित करता है, मतलब उसको फर्टिलाइज कर देता है, इस दिन को कंसेप्शन डे या फिर फर्टिलाइजेशन डे बोलते हैं। अब ये होता कब है, तो मैंने आपको प्रीवियसली बताया है कि ओवल्यूशन डे होता है हर फीमेल्स को। अब थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में तो नहीं समझा पाऊँगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको समझा देता हूँ आइडिया देने के लिए। जो महिला है, जिस दिन उसको पीरियड स्टार्ट होता है, जिस दिन उसको ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, वो उसका पीरियड साइकिल का पहला दिन होता है। और हर फीमेल को उनका जो पीरियड साइकिल है वो अलग अलग होता है, मतलब जो उनका मासिक चक्कर है वो अलग अलग होता है। कईयों को 28 दिन का मासिक चक्कर है, कईयों को 30 दिन का, कईयों को 25 दिन का होता है, ठीक है। तो अगर एवरेज निकाल लें तो 28 दिन या 30 दिन के अराउंड ही लगभग सभी फीमेल्स को उनके पीरियड्स आते हैं, ठीक है, उनका मासिक चक्कर होता है। तो अगर 28 दिन का पीरियड साइकिल है तो 14th डे के अराउंड उनको ओवल्यूशन होगा, मतलब वो दिन जब महिला के शरीर से अंडा निकलता है, अंडा रिलीज होता है। अगर 30 दिन का पीरियड साइकिल है तो फिर 16वें दिन अंडा रिलीज होगा, ठीक है। वो ओवल्यूशन में मैंने आपको बताया था कि ओवल्यूशन डे कैसे कैलकुलेट करना है। ओवल्यूशन डे के अराउंड या उससे 4-5 दिन पहले अगर फीमेल अपने मेल पार्टनर के साथ में फिजिकली कॉन्टैक्ट में आती है, तो फिर ओवल्यूशन के दौरान काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं फीमेल के एग को शुक्राणु के साथ मिलने के लिए। सपोज कीजिए कि अगर किसी महिला का ओवल्यूशन उसके मासिक चक्कर के 16वें दिन होना है, ठीक है, और महिला ने 15वें दिन या 14वें दिन अपने मेल पार्टनर के साथ में संबंध बनाया, तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है अंडाणु की शुक्राणु के साथ मिलने के लिए। तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जिस दिन हमने रिलेशन बनाया उसी दिन जो अंडा है वो शुक्राणु के साथ मिल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कुदरत अपने हिसाब से काम करती है, ठीक है, और इतनी फास्ट नहीं करती है। तो जिस दिन अंडा रिलीज होता है उसको ओवल्यूशन डे बोला जाएगा, और ये अंडा ओवरी से अंडे दानी से रिलीज होता है, फिर फैलोपियन ट्यूब में जाता है, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि फैलोपियन ट्यूब वो ट्यूब है जो अंडेदानी को और बच्चेदानी को जोड़ती है, ठीक है, डायग्राम में आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये जो फैलोपियन ट्यूब है, यहाँ पर अगर स्पर्म पहले पहुँच चुका है तो यहाँ पर वो वेट करता है, और अगर अंडा रिलीज हो गया है तो यहाँ पर अंडा 1 या 2 दिन मैक्सिमम वेट करता है कि कोई स्पर्म आकर उसको फर्टिलाइज करे। क्योंकि हर महिला को पीरियड्स आ रहे हैं, इसका मतलब बॉडी खुद चाहती है कि महिला कंसीव करे, ठीक है। तो फैलोपियन ट्यूब में अंडा उसका वेट करता है, अगर शुक्राणु अवेलेबल होता है तो फिर डे 2 या डे 3 पर इसका मिलन होता है, और इसके मिलने को ही फर्टिलाइजेशन डे या फिर कंसेप्शन डे कहा जाता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन डे के बाद आप 8वें या 11वें दिन पर अपनी प्रेगनेंसी को वाया ब्लड टेस्ट कर सकते हो, और 13 से 15 दिन के अराउंड आप बाय यूरिन अपनी प्रेगनेंसी को टेस्ट कर सकते हो आपको सही रिजल्ट देने के लिए, ठीक है। सो कंसेप्शन डे या फर्टिलाइजेशन डे क्यों ज़रूरी है, तो गाइस देखिए, अगर किसी को प्रेगनेंसी पता करनी है या कोई इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट ले रहा है, तो उसके लिए कंसेप्शन डे भी बहुत इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। और यहाँ तक अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपको पता होगा फर्टिलाइजेशन डे की कितनी इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, है ना। आज की वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल और बेनिफिट रखती होगी।
अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो गाइज, मुझे आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।